एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान अपने एक दिवसीय दौरे पर आज नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने राजगीर समेत नालंदा के कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। राज्यपाल हेलीकॉप्टर मार्ग से रत्नागिरी पर्वत पर अवस्थित विश्व शांति स्तूप पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर नालंदा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक नीलेश कुमार ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विश्व शांति स्तूप के मुख्य पुजारी टीओको नोगी ने राज्यपाल को अंग वस्त्र भेंट किया। उन्होंने विश्व शांति स्तूप का परिक्रमा करने के बाद दूरबीन के माध्यम से गिद्धकूट पर्वत का दर्शन किया। साथ ही राज्यपाल ने दूरबीन के माध्यम से घोड़ा कटोरा झील और राजगीर के प्राकृतिक सौंदर्य का भी अवलोकन किया। राज्यपाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ताइको बजाकर भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर बुद्धा सोसाइटी की श्वेता महारथी भी मौजूद थी। राजगीर के बाद वे सड़क मार्ग से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर पहुंचे। नालंदा खंडहर के बाद उन्हें हिंसांग मेमोरियल हॉल जाना था, मगर समय के अभाव में हिंसांग मेमोरियल हॉल न जा सके और खंडहर के बाद नालंदा म्यूजियम पहुंचे, जहां उन्होंने पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन किया। उसके बाद राज्यपाल भगवान महावीर की निर्वाण भूमि पावापुरी पहुंचे, जहां जैन श्वेतांबर तीर्थ के संयुक्त मंत्री जेसी सुचिंती ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पावापुरी जल मंदिर जाकर भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। हम आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल बनने के बाद उनका नालंदा का पहला दौरा था। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।